मौसम के मिजाज पर पल पल हो रहे परिवर्तन के कारण बच्चे व बड़े वायरल फीवर के साथ ही खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं, जिसका सीधा असर जुल अस्पताल ही नहीं बल्कि कालाकुआ सेटेलाइट अस्पताल पर भी देखने को मिला। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड होने के कारण वायरल मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर एस आर अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मौसम करवट बदल रहा है। सुबह शाम लोगों को हल्की सर्दी महसूस होने लगी है, हालांकि भी ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। रात को और सुबह पंखा कूलर भी बंद करना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश में मौसम के करवट बदलने से बीमारियां भी अपना पैर पसारना शुरू कर चुकी है। सैटेलाइट अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 700 के बीच की ओपीडी चल रही है। इलाज के लिए आने वाले ज़्यादातर लोगों में खांसी, सर्दी, जुकाम, चिकनगुनिया, डेंगू, निमोनिया के मरीज हैं। इसी के साथ ही कुछ मरीज हाथ पैर के साथ पूरे शरीर में दर्द की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में और ढककर रहने, ठंडा बासी व बाहर के खाने की मत सोचेगा। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अपने खान पान व दिनचर्या में भी बदलाव लाने चाहिए। जी सर, जो मौसम परिवर्तन हुआ है इसमें किस तरह के मरीज आ रहे हैं और फिलहाल सैटेलाइट हॉस्पिटल कितनी हो गई है? अभी क्या है कि मौसम परिवर्तन के कारण क्या है, सैटेलाइट अस्पताल में मरीजों की संख्या एकदम हाईटेक में बढ़ गई है। करीब 550-600 मरीज पर डे आ रहे हैं। इसमें क्या सीजनल मरीज हैं, डेंगू के भी हैं, आपके चिकनगुनिया बुखार के भी आ रहे हैं, और मौसम बीमार के जो डायरिया वोमिटिंग जो होता ही है साथ में, और इस तरह की प्रॉब्लम के बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी हैं, सभी तरह के लोग इस तरह की बीमारी से कैसे घूमने आ रहे हैं। कैसे सेफ्टी बरत सकते हैं शरीर? भाई सबसे ज़्यादा तो है कि बच्चे अपने शरीर को कवर रखें, मच्छरों से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दूर रखें, मच्छरों से दूर रहें। तीसरा, नाइट में कोई मच्छरों से एंटी जो मच्छर मॉस्किटो जो प्रिकॉशन से वो फॉलो करें, और साथ में अपनी डाइट वगैरह हेल्दी रखें। और अगर आपके आसपास कोई पानी वानी भरा है या पानी का क्षेत्र है या घर में कोई भरा है तो उसको खाली करते रहें, उसमें फ्रेश पानी डालते रहें। फिलहाल सैटेलाइट हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं और कितने डॉक्टरों की कमी है? 8% अभी हमें 7 डॉक्टर यहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पेशलिटी डॉक्टरों के कारण हमें काफ़ी मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। अगर स्पेशलिटी डॉक्टर जो और यहाँ अगर हो जाए तो इसमें हम और बेहतर अच्छा सहयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ के लोग सर यहाँ दिखाने आते हैं? हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर तक लोग आते हैं, इवन हरियाणा के लोग भी आते हैं, और आपके अकबरपुर पूरा बेल्ट कवर करते हैं, मालेगढ़ से आगे तक के मरीज आते हैं, इधर MI से बड़ौदा तक के मरीज आते हैं, तो काफ़ी एरिया को हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ नो डाउट यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और भीड़ का काफ़ी मतलब फेथ समझो अस्पताल पे, सेटेलाइट पे लोगों का फेथ है, तो यहाँ काफ़ी संख्या भीड़ है। क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर SR अग्रवाल बोल रहा हूँ।